दुर्योधन सरकार दुर्योधन सरकार दुर्योधन सरकार दुष्यंत मर गया, चौटाला मर गया, नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। मेरा नाम सोनू यादव। सर जी क्या मुद्दा है, किस चीज़ को लेकर हड़ताल करते हो? ये हड़ताल है जी, हम 2 जून 2020 को 1983 पीटीआई को हरियाणा सरकार ने बर्खास्त कर दिया। हम अपनी नौकरी की बहाली के लिए धरने प्रदर्शन और अनशन पे चले। कब से प्रदर्शन चल रहा है? ये 12 जून से हमारी एक ही मांग है, किसी भी तरह हमारी नौकरी बहाल की। अगर आपकी सरकार नहीं सुनती है आगे क्या मामला होगा? आगे हम भूख हड़ताल भी करेंगे, आम अनशन भी करेंगे। तो मैडम साइड हो, पब्लिक को जागरूक करने के लिए पब्लिक में भीख भी मांगेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका नाम बताइए। नाम तो हमारा बस चल ही रहा है 2010 1983 पीटीआई। ओके, तो क्या मामला है, किस तरह की हड़ताल को लेकर आप बैठे हुए हैं? सर कोई मामला नहीं है, कोई कैंडिडेट फॉल्टी नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीति खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, और ये ज़्यादा तो दुष्यंत खेल रहा है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं पाया गया, 3 हमारे हाई कोर्ट में, 3 हमारे सुप्रीम कोर्ट में सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, लेकिन कैंडिडेट कोई भी गलत नहीं है। गलत है तो चयन प्रक्रिया गलत है, तो चयन प्रक्रिया गलत है कौन करवाता है? चयन सरकार करवाती है, कैंडिडेट तो नहीं करवाता, कैंडिडेट बाहर रहता है, कैंडिडेट को क्या पता क्या हो रहा है। और अभी बीजेपी सरकार बोल रही है कि हम दोबारा टेस्ट लेंगे, हमें क्या पता कि दोबारा वो क्या घोटाला करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे क्या? उसमें वही बोर्ड रहेगा, वही मेंबर रहेंगे। हाँ, वही मेंबर रहेंगे, या हो सकता है दोबारा हुड्डा सरकार आएगी तो वो हटा देगी हमें, ये तो प्रोसीजर ऐसे चलता रहेगा। तो हमारी नौकरी बहाल की जाए बस, हम जल्दी से जल्दी सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी नौकरी जल्दी से बहाल करे, नहीं तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं हम। ये बस सरकार को एक आह्वान कराना चाह रहे हैं, ये राजनीतिक खेल हमारे साथ ना खेल। जो है ये आज जो बीजेपी और जेजेपी सरकार, ये राजनीतिक द्वेष भावना से हमारे साथ निकाल रही है। उन्होंने चौटाला ने पहले कह दिया था कि भाई ये उनके खिलाफ FIR दर्ज करा। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, FIR दर्ज वो सरकार करवाए जो इस समय प्रेजेंट है, उस सरकार का काम बनता है कि FIR दर्ज करवाए। कैंडिडेट वो भी करवा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दे दे कि भाई ये इसने कर्मचारियों को, कर्मचारी तो सभी सरकारों के बराबर होते हैं, सरकार बदलती रहती है, कर्मचारी वही रहते हैं, लेकिन इनकी भावना ये है कि ये हुड्डा सरकार के लगे हुए हैं तो इनको हमने नहीं रखना। ये द्वेष भावना, राजनीतिक द्वेष भावना साफ नजर आ रही है, और उनके राजनीतिक द्वेष भावना के कारण ये 1983 परिवार खराब कर दी इन्होंने, रोड पे आ गए। तो कितने महिलाएं हैं आप, कितने जेंट्स हैं टोटल? अभी हरियाणा से है, ऐसे ओनली गुड़गांव से, पूरे हरियाणा से है 1983 पीटी 2010 में लगे थे, और उनको 1 और 2 जून को 2020 में रिलीव कर दिया 1983 पीटी, जिसमें से हमारे 40 साथी तो एक्सपायर भी हो चुके हैं। तो उनका रिलीव किया गया, उनका तो इसी एस ग्रेसिया से इनका गुजारा चल रहा था, इन लोगों को कहाँ से वीटो करेंगे? कुछ हमारे 36 बहने वीटो भी हैं, कुछ अब इनका कैसे है? हमारे कई साथी जो है एक्स सर्विस मैन लगे हुए हैं, शौर्य अवार्ड भी मिला हुआ है, जिसको राष्ट्रपति ने शौर्य अवार्ड दिया था, वो एक बहुत सम्मान की बात होती है हमारे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने उस अवार्ड का भी उन्होंने इस सम्मान नहीं करा सबको। हमारे जो डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं, यदि सरकार में इतनी हिम्मत है, हम ये कहते हैं सरकार यदि इतनी हिम्मत वाली है तो CID बैठा के हमारे डॉक्यूमेंट दोबारा चेक करवाए, और जिसके खिलाफ वो FIR दर्ज करवाना चाहती है वो खुद करवाए, खुद करे, SSC बोर्ड के खिलाफ खुद FIR दर्ज करवाए। हम इस चीज़ को कहते हैं सरकार में हिम्मत होनी चाहिए, सरकार के हिम्मत थी हमारे पर कलम चला दी, हमें नौकरी से निकाल दिया, इससे ज़्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। सरकार ने इतना अपनी ताकत दिखा दी है, एक घटिया निकम्मी सरकार राजनीतिक भावना खेल रही है और कुछ नहीं खेल रही है, कर्मचारी तो सब वही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारे सब डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं, और आज हम फिर तैयार हैं हमारे डॉक्यूमेंट दोबारा चेक करवा लेते हैं। सरकार दम दिखाए, अपना ताकत दिखाए, जो अपनी ताकत यहाँ इस्तेमाल करे, सरकार के सिर्फ ताकत दिखाई कर्मचारियों के ऊपर, सरकार के अंदर यदि कम होता तो वो SSC बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करे। हम जब मानेंगे यहाँ सरकार ये सही काम करे, अच्छे काम करे, बेरोजगार जो कर दिया हम लोगों को उसमें हमारे ऐसा लग रहा है। कट्टर साहब तो PM साहब से भी बड़े हो गए शायद, जब PM सर यूँ कहते हैं कि कोरोना में किसी की जॉब नहीं जाएगी, फिर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को बाहर निकाल रहे हैं।
तो अगला एक्शन क्या होगा आपका? जन आंदोलन करेंगे, कुछ भी हो स्टेट लेवल पे करेंगे, जाके स्टेट लेवल पे भी होगा, पब्लिक भी हम घूमना शुरू करेंगे। ये तो दुष्यंत चौटाला की बातों से क्लियर हो गया कि वो तो देश भावना से काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो है जेजेपी जनता जनार्दन पार्टी उन्होंने नाम दिया है। जनता जनार्दन पार्टी ऐसी होती है कि जो जनता को परेशान कर रही है, जनता के हित में काम करे। जब तो हम कहते हैं कि हाँ भाई जेजेपी सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन उन्होंने सरकार के खिलाफ उस समय के एसएससी बोर्ड के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, जब तो हम इस सरकार को अच्छा मानते हैं, लेकिन इस सरकार ने तो उल्टा काम कर दिया। बेरोजगारों को यहाँ हमें बेरोजगार बना दिया, बेकसूर होते हुए भी आज हमारे बच्चों को रोड पे ले आ दिया है। हमारे बच्चे भी लख रहे हैं, रो रहे हैं, हम यहाँ धूप में तरसते पड़े रहते हैं हम 5 बजे तक। ये सरकार को हम बताएंगे, टाइम आएगा तो हम भी बताएंगे सरकार को कि हमारे साथ, हाँ 24 घंटे का आंदोलन शुरू करेंगे हम और स्टेट लेवल पे। इसके लिए हमने किसी को लेटर दिया है कि आप हमने हम सबको मिल चुके हैं, सभी MLA MP सभी को मिल चुके हैं हम, लेकिन कहीं से हमारा कुछ भी अभी तक हमें मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। एक जब से हमारा फैसला आया, हम सभी MLA MP के पास हमने रो रहे हैं, गिड़गिड़ाए हैं, उनके पैर पकड़े कि हमारी नौकरी को बचा दो, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। तब नहीं सुनी तब हमने अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया और अब हम अपने हक से अपने अधिकार से छीन के रहेंगे, क्योंकि इसमें 1983 PTI का कहीं पे भी कोई दोष नहीं है। जो खेली जा रही सिर्फ एक राजनीति खेली जा रही, बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं, ना कि जनता के हितों को ध्यान में रखे ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं कि जनता को किस तरह से परेशान किया जा सकता है। जनता के हकों की तरफ ध्यान ना देके अपनी बदले की भावना को निकालना चाहते हैं। तो हम आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार तक यही आवाज पहुंचाना चाहते हैं, जैसे हमारी नौकरी वापिस ली है उसी तरह से हमारी नौकरी हमें वापिस की जाए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत उग्र होगा, जन आंदोलन होगा। और खट्टर सरकार बोल रही है कि भाई दोबारा टेस्ट लेंगे। खट्टर सरकार एक IPS अधिकारी होता है, बहुत अच्छा वो सोचता है, PTI तो अनपढ़ है, उनको कुछ नहीं आता है ये सोच के। IPS अधिकारी तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, क्वालिफाइड होता है। उससे दोबारा 4 साल बाद ही, हमारा तो 10 साल हो गए, उसको 4 साल बाद ही पेपर लेके दिखाते, अगर वो क्लियर कर लेगा तो हम भी पेपर देने को तैयार हैं, नहीं तो हम पेपर का बहिष्कार करेंगे, हम पेपर नहीं देंगे। सर क्या कर रहे, क्योंकि हमारा 10 साल की नौकरी है, हमारा कुछ वजूद है अपना, हम पेपर में नहीं बैठेंगे। हाँ, और अगर खट्टर सरकार अगर ये सोचते हैं ना कि भाई पेपर दिलवाऊंगा, तो खट्टर सरकार एक बार दोबारा से इलेक्शन लड़के दिखा दे और अपनी सीट हासिल कर ले, अगर वो हासिल कर लेगा तो हम भी पेपर देने को तैयार है, ठीक है। तो ये हमारा सीधा सीधा आह्वान है अब, क्योंकि हम थक चुके हैं, हर MLA के पास हम जा चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, और हमारे बच्चे बिल्कुल बिलख रहे हैं घरों में, हम छोड़ छोड़ के धूप में रोडों पे घूम रहे हैं, और खट्टर सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। दुष्यंत तो महादुष्ट दुष्ट दुशासन है वो, क्योंकि सारा खेल वही खेल रहा है, जो भी खेल खेल रहा है दुशासन वही खेल रहा है, उसको भी समय आने पर बताएंगे। सरकार इतनी बड़ी सरकार से, अगर वो चाहे तो खुद कराए केस, कमीशन पे कराए, पिछली सरकार पे कराए, खुद जांच कराए, CBI कराए, हमारी पैर भी करे, हमें बचाए। हमारे पास क्या है, हमारी तो एक छोटी सी नौकरी है, वो भी उन्होंने छीन ली, और हमसे कहते कि तुम करो जाके, नहीं क्या वो सरकार उनके पास पावर नहीं है, वो नहीं कर सकते जो कि वो सब जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, राजनीति का खेल खेल रहे हैं वो। 10 साल की नौकरी में इन्होंने ऐसा घटिया काम करा कि काला इतिहास जिसको कहा जा सकता है ना, ये खट्टर सरकार ने काला इतिहास पहली बार ऐसा हुआ है। 10 साल की नौकरी पक्की होने के बाद काला इतिहास जो इस खट्टर सरकार ने लिखा है, ये कोई नहीं भूल सकता। आगे BJP सरकार आ जाए तो ये जो है नाम आगे हमेशा रहेगा कि खट्टर सरकार ने काला इतिहास लिखा था PTI मास्टरों के ऊपर, जिन्होंने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली। ये काला इतिहास जो है खट्टर सरकार, BJP सरकार, JJP सरकार मिलकर कर ली, सिर्फ JJP सरकार बदले की भावना खेलों का होता है, उसमें खेल इस लेवल पे हाई गए कि डाउन हुए, चाहे इसको भी एनालाइज कर सकती है। हमारे आने से खेलों को बढ़ावा मिला है कि डाउन गए, इसका भी रिजल्ट देख सकती है। स्टेट लेवल जब खेलों में नाम आता है तब तो थोड़ा होकर खट्टर ऊपर हाथ करेगा, हरियाणा नंबर एक, मेरा हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 ऐसा हुआ क्या? किसने बनाया हरियाणा नंबर 1 किसने? खेलों के जरिए हमने ही तो बनाया होगा, इससे पहले कभी हरियाणा नंबर 1 बना था? खड़े रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री के आगे 2 महीने की बेटी को उन्होंने पैरों में रख दिया हमारे अध्यापिका ने, उसने उसको उठाया भी नहीं, वो आज नारा देता है। अनपढ़ आदमी जो एक ये नारा देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, उसको ये नहीं पता कि 2 महीने की बेटी है, क्लास पास
पास है, दो महीने की बेटी है, उसको तो इतनी शर्म आनी चाहिए। तो कोई भी चलता आदमी उसको उठा सकता था, अब कोई कहता है बहन जी बच्चे को उठा लो, ये नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये शिक्षा मंत्री है आज के हमारे, तो ये कलयुग है जो शिक्षा मंत्री, ऐसे जब शिक्षा मंत्री हमारे राज्य में होंगे तो ये कलयुग की तरफ। एकदम बिल्कुल 2 जून को हमें बिल्कुल हटा दिया। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारी नौकरी बहाल करे, अगर बहाल नहीं करेगी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।